मसाइल आएंगे जाएंगे। आज ये लाइट है, लाइट का गोला जल जाएगा, जलने के बाद जला हुआ गोला निकालेंगे डालेंगे। हमारी जमात, हमारा इत्तेहाद कोई लाइट का गोला या पानी की लाइन या रोड नहीं कि आज खराब हो गई तो कल बन जाएगी। अरे ये जमात, ये इत्तेहाद, ये ताकत पैदा करने के लिए हमने सात बरस मेहनत की, कुर्बानियां दी, मुसीबत उठाए, जेल में गए, पुलिस की लाठियां खाई, अपना खून बहाया, तब जाके ये दिन आया। विद सिटी जर्नलिज्म की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, वीआईपी कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 2 फरवरी बरोज़े जुमा को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लो लीडर व बानी व चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नशीमन नगर तालाब कट्टा में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और यहां पर टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशन, एम्ब्रॉयड्री, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, एडल्ट एजुकेशन और दीगर अकाबिर कंपनीज के वोकेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स तलबा व तालिबात में तकसीम किए और जलसे से भी खिताब किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई सारे मसाइल पर भी रोशनी डाली। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मसाइल आएंगे जाएंगे, आज ये लाइट है, लाइट का गोला जल जाएगा, जलने के बाद जला हुआ गोला निकालेंगे डालेंगे। एक वक्त तक ये रोशनी देगा। रोड है, आज अगर रोड पड़ गई तो कुछ बरस तक अच्छी रहेगी, लेकिन एक ना एक दिन तो खराब होगी, फिर से पड़ जाएगी। पानी की लाइन है, डाले पानी आ रहा है, अल्लाह की रहमत बरसी तो लाइन में पानी है, अल्लाह की रहमत नहीं बरसी तो लाइन सूख जाएगी। लेकिन आते आते वो भी खराब होगा, वो भी बन जाएगा। लेकिन याद रखो, हमारी जमात, हमारा इत्तेहाद कोई लाइन का गोला या पानी की लाइन या रोड नहीं कि आज खराब हो गई तो कल बन जाएगी। अरे ये जमात, ये इत्तेहाद, ये ताकत पैदा करने के लिए हमने सात बरस मेहनत की, कुर्बानियां दी, मुसीबत उठाए, जेल में गए, पुलिस की लाठियां खाई, अपना खून बहाया, तब जाके ये दिन आया। समझो इस बात, समझो इस बात को। लोग अब कहते हैं कि हमने अपने पसीने से बनाया है, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खून से इस जमीन को भिगोया है, सुर्ख किया है, तब जाके ये बना है। खुदा का समझो, नहीं मालूम कि मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, चाहे इज्जत हो, शौहरत हो, दौलत हो, ताकत हो या ये काम हो, मेरी फिक्र अगर है तो अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए मेरी फिक्र है कि हम आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को भी महफूज करके जाए, सजा के जाए, सवार के जाए। फर्द वाहिद से ये काम नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला फर्द वाहिद की मेहनत से नहीं होता। कौमों की तकदीर जज्बाती तहारीर या नारों से नहीं बदलती। कौमों की तकदीरें उस वक्त बदलती हैं जब आप और हम सब मिलकर एक होकर इंकलाब बर्पा करेंगे, तब्दीली लाएंगे, तभी होगी।